मैं वैशाली चांदमुड़े पुलिस इंस्पेक्टर सीनियर सिटीजन सेल की इंचार्ज हूँ। इसी साल में मैंने इसका चार्ज लिया है। सीनियर सिटीजन सेल 2017 से यहाँ पर सेपरेटली शुरू किया गया है। शुरू में सोशल सर्विस सेल जो है हमारा, उसी के थ्रू सीनियर सिटीजन्स के, वुमेन्स के और बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाते थे। बाद में जो ये सब क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, उस हिसाब से अलग अलग सेल बनाए गए। वुमेन सेल जो है वो वुमेन्स के प्रॉब्लम, महिलाओं के प्रॉब्लम ज़्यादा, कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और इसमें ऐसा था कि बहुत ये प्रॉब्लम में हर टाइम गुना रजिस्टर करना ठीक नहीं था, मतलब उससे फैमिली ब्रेक हो जाती है, तो ये ना हो, उनको समझाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए उनका सेल अलग से शुरू किया गया। सही जो बच्चे हैं जो क्राइम में गलत तरीके से, गलत संगत की वजह से आ जाते हैं, तो वो बच्चों को सुधारने के लिए, मतलब ये बच्चे वापस उस जगह वर्ल्ड में ना जाए, तो उसके लिए बाल सहाय कक्षा शुरू किया गया। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेल के लिए शुरू में ऐसे दिखने में आया कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम हैं, मतलब उनके उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, वो अकेले रह रहे हैं, कोई भी उनको आके टॉर्चर कर रहा है, उनको फंसा रहा है, अलग अलग उनके प्रॉब्लम सामने आ रहे थे। फिर उसके बाद ये कंप्लेंट्स बढ़ते गए, इसलिए हमारे जो फॉर्मर पहले वाले एसीपी मैम थी, शुक्ला मैम, उन्होंने इसके लिए अलग सा सेल बनाया, सीनियर सिटीजन सेल। तो ये सेल शुरू होने के बाद इसके थ्रू फ़ोन के थ्रू जो कंप्लेंट्स आती है वो भी सॉल्व किए जाते थे। इसके अलावा लोगों को एप्लीकेशन देने के लिए भी बताया गया, मतलब डायरेक्ट लोग यहाँ पर आकर कंप्लेंट देने लगे तो उनके हम एप्लीकेशन लेते थे। फिर उस हिसाब से हम सामने वाले लोग, मतलब बच्चे रहेंगे, बाकी रिश्तेदार रहेंगे, बाजू वाले रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, जो भी है जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, वो सबको हम यहाँ पर बुला के उनका काउंसिलिंग करवाते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 2017 में जब ये सीनियर सिटीजन शुरू किया गया सेपरेटली, तो उसका काम बहुत अच्छा हो रहा था, पब्लिक से भी इसका बहुत प्रशंसा की गई थी। और ऐसे ही फेसकॉम न्यू दिल्ली में सीनियर सिटीजन का अच्छा काम करने के लिए फिक्की का एक अवार्ड हमारे लिए दिया गया था। ये हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है कि भरोसा सेल शुरू पूना में किया गया और सीनियर सिटीजन सेल पूना में पहले शुरू किया गया। एक छत के नीचे तीनों सेल, बच्चों का भी, लेडीज़ का भी और सीनियर सिटीजन्स का भी शुरू किया गया। मतलब इसका कहना एम ऐसा है कि कोई भी इंसान, कोई भी सीनियर सिटीजन जब भरोसा सेल में आएगा तो उसको ये कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगा। और जो भी आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करनी है, ऐसी जो आपको अगर ज़रूरत है तो वो भी, उसकी भी यहाँ पर प्रिकॉशन ली जाती। तो अभी पूरे महाराष्ट्र में भरोसा सेल शुरू करने के लिए कहा गया है। एक्चुअली हमारे इधर काउंसिलिंग स्टाफ और मैं खुद, हम मिलके यहाँ पर काउंसिलिंग का काम करते हैं। और दूसरा जो है, इसमें बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि हम लोग दोनों पार्टी को समझाते हैं, लेकिन वहाँ पर लीगल इशू खड़ा हो जाता है, जैसे प्रॉपर्टी का इशू रहता है, मतलब फैमिली मैटर है, उनको कोर्ट में नहीं जाना है लेकिन यहाँ पर ही सॉल्व करना है। तो ऐसे टाइम पर हम हमारे जो पहचान के हैं, जो बारी वकील है, तो उनके जैसे एक दो और एडवोकेट है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट लेके सिर्फ बिना फीस के, मतलब सिर्फ सेवा का हेतु रख के वो लोगों को हेल्प करते। और हमें अर्थश्री की तरफ से एक काउंसिलर दिया गया, वो सिर्फ वीक में एक बार हमारे पास आते हैं, तो वीक में एक बार वो भी हमारे साथ काउंसिलिंग करते हैं। 12 साल हो गए अर्थश्री फाउंडेशन, उसकी मैं वॉलंटियर हूँ, वो पहले ज्वाइन किया मैंने वॉलंटियर से सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन। नेक्स्ट अभी 9 ईयर्स आई एम वर्किंग काउंसिलर वुमन से, दोनों से काम कर रहा हूँ। फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पूना में अब तक जो कंप्लेंट्स आई है उसमें। और फिजिकल और मेंटल के साथ प्रॉपर्टी के इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, और बाकी छोटे मोटे रहते हैं, मतलब लाइट कट कर दी, शॉप किराना माल वालों ने माल नहीं भेजा, ज़्यादा पैसे ले लिया, ऑटो वाले ने ज़्यादा पैसे ले लिए, गलत जगह पे छोड़ दिया, बाजू वाला तंग करता है।
तो एक बार अगर हम उनसे बात करते तो बहुत सारे इश्यू सॉल्व हो जाते और बहुत सारे सीनियर्स हेल्पलाइन है हमारी 1090, तो उस पर कॉल करते हैं कि उनको बात करनी होती है तो बात करने के लिए कोई नहीं रहता, तो बहुत सारे सीनियर्स ऐसे ही फ़ोन कर लगाते हैं, फिर हमारे जो हेल्पलाइन के स्टाफ हैं वो उनके साथ बात करते हैं। पुणे में वैसे तो 5 से 5.5 लाख तक सीनियर सिटीजन है, लेकिन उसमें से पुलिस स्टेशन के कांटेक्ट में जो आए हैं तो वो 11,000 के पास सीनियर सिटीजन से है। तो ये जो 11,000 लोग हैं इनको हमने आई कार्ड्स दिए हैं सबको, और हमारे इधर हेल्पलाइन है तो यहाँ पर इस साल में 3,536 कॉल्स आ गए हैं, मतलब इन सारे लोगों को हमने हेल्प किया है फ़ोन के थ्रू। तो ऐसे हमारे हेल्पलाइन है और विजिट देते हैं हम सीनियर सिटीज़न को घर पे जाके, वृद्धाश्रम में जाके या उनका जो संघ रहता है वहाँ पे जाके, तो ऐसे विजिट जो है टोटल जो सीनियर सिटीजन्स को मिले हैं हम, तो ऐसे 10,400 के आसपास है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को जो हमने बताया कि फिजिकली और मेंटली टॉर्चर होता है, तो झगड़ा होता है घर में, तो बहुत बार खाना नहीं दिया जाता, कई कई केस में ऐसा हो गया है कि उनको मारते हैं, लेकिन इतना परसेंटेज नहीं है, लेकिन झगड़ा रहता है प्रॉपर्टी की वजह से या छोटे मोटे घरेलू जो झगड़े रहते हैं उसकी वजह से, गाली देना, उनको खाना नहीं देना, उनकी से बात नहीं करना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अर्थश्री फाउंडेशन का हमारा सबसे बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि अर्थश्री फाउंडेशन की वजह से ही हेल्पलाइन शुरू हो गई। अर्थश्री फाउंडेशन ने हमारा भरोसा सेल का, सीनियर सिटीजन सेल का शुरू का काम चालू किया था। और अगर हमारे पास कोई सीनियर्स आते हैं उनको रहने की जगह नहीं है तो फिर वो जनसेवा फाउंडेशन का पुण्यधाम आश्रम है, तो वैसे आश्रम में हम भेज देते हैं। और बाकी है हेल्प एज इंडिया है जो मेडिसिन के लिए हेल्प करती है हमें, वैसे ही फेसकॉम है और मातोश्री गवर्नमेंट का जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर भी हम सीनियर सिटीजन्स को भेजते हैं, निवारा है, और ऐसे ही अभी नए हमारे साथ ज्वाइन हो गए कनेक्टिंग NGO है, तो वो भी हमें हमेशा हेल्प करते हैं। प्रत्येक पोलीस स्टेशनला एक अधिकारी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी म्हणून नेमण्यात आलेला आहे, तो अधिकारी त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत जे ज्येष्ठ नागरिक संघ आहे त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात, आणि हे ज्येष्ठ नागरिक संघाचे जे मेंबर्स आहेत ते त्या हद्दीत राहणारे जे सिनियर सिटीजन आहेत त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात, आणि ज्या पण सूचना आहेत त्या आपण सूचना यांच्यामार्फत सगळ्या सिनियर सिटीजनपर्यंत पोहोचवतो। मग याच्यात आपण विशेषतः सिनियर सिटीजनसाठी वेगवेगळे प्रोग्राम्स अवेअरनेस प्रोग्राम आयोजित करतो, तसंच सीनियर सिटीजनला सेफरसाठी म्हणून आपण काही सूचना दिलेल्या आहेत, गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत की तुम्ही एकटे दुकटे फिरू नका, त्यांना आपण आय कार्ड दिलेले आहेत पुणे पोलीस आयुक्तालयातर्फे की ते आय कार्डवर आपण त्यांच्या डॉक्टरांचा, त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाचा, आपल्या भरोसा सेलचा, ज्येष्ठ नागरिक कक्षांचा असे नंबर दिलेले आहेत। विभक्त कुटुंब पद्धती आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात तयार झालेली आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येक जण आणि प्रत्येक जणाचं स्वतःचं करिअर असं एक स्वतःचं आयुष्य, खाजगी आयुष्य असं एक तयार झालेलं आहे, त्यामुळे नकळत आपण आपल्या घरात असणारे जे सीनियर सिटीजन आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो। सीनियर सिटीजन ज्यावेळेस रिटायर्ड होतात किंवा जे घरात असतात तर त्यांना त्यांच्या आयुष्याची ही जी संध्याकाळ असते त्या संध्याकाळी तरुण वर्गाने त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची जास्त आवश्यकता असते, कारण त्यांना त्या काळात ते एकटे राहत असल्यामुळे त्यांच्याशी कुणीतरी बोलावं अशी त्यांना अपेक्षा असते, त्यांना त्यावेळेस वैद्यकीय मदतीची गरज असते, त्यांना मानसिक आधाराची गरज असते, या सगळ्या गोष्टी जर त्यांना मिळाल्या नाहीत तर ते स्वतःकडे लक्ष आकर्षित करून घेण्यासाठी म्हणून मग ते वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांकडे तक्रारी सुरू करतात आणि मग त्याच्यातून वाद तयार होतात, तर हे वाद विकोपाला जाऊन मग पुन्हा वृद्धाश्रमांमध्ये त्यांना पाठवण्यासाठी सुरुवात होते किंवा पाठवलं जातं। तर हे होऊ नये म्हणून मुळातच आपण सुरुवातीपासूनच ज्येष्ठांची घरात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सगळ्या दृष्टींनी काळजी घ्यावी, तर अशा पद्धतीने सर्वांनी मिळून जुळून जर राहिलं तर ज्येष्ठांचे जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते नक्कीच कमी होतील, त्याच्यामुळे सर्वांनी ज्येष्ठांकडे नक्कीच लक्ष द्या, त्यांची काळजी घ्या, त्यांच्यावर प्रेम करा।